खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन में चोरी का भंगार ले जाने का कवरेज करना पत्रकार को महंगा पड़ गया। पुलिस अब उक्त पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने की ही बात कह रही है। दरअसल पीड़ित की माने तो रात के अंधेरे में कुछ बदमाश लोहे का सामान वाहन में भरकर ले जा रहे थे, जिसमें चोरी का सामान होने की सूचना पीड़ित को मिली। इस दौरान जब अमन वर्मा साथियों के साथ मौके पर पहुंचा तो पुलिस की कार भी वहां ताबड़तोड़ आ पहुंची और अमन वर्मा पर दबाव बनाया जाने लगा। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर खुलासा किया कि भंगार कहां ले जा रहे, वाहन सवार पुलिस से मिलकर मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को लेकर मैंने खबर चलाई थी। फिलहाल पीड़ित पत्रकार ने घटना की पड़ताल करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैसूर तहसील का निवासी हूँ, अमन वर्मा नाम है मेरा, भारत समाचार का पत्रकार हूँ मैं। मुझे शनिवार के दिन अरुण केवट द्वारा बताया गया कि लक्कड़पुल के पास में कोई भंगार की गाड़ी है, जो वहाँ पे कोई भंगार लेके चोरी का माल लेके वहाँ पे आएगा। मैं मेरे दोस्तों के साथ में वहाँ पहुँचा। जैसे ही भंगार की गाड़ी गई भंगार के वहाँ पे, मैं दौड़ता हुआ वहाँ पे गया। उसी समय एक विस्टा कार थी सफ़ेद कलर की, जो स्पीड से मेरे तरफ बढ़ी और मैं मेरी जान बचाकर वहाँ से भागा। मुझे कल दूसरे दिन मालूम पड़ा कि उस विस्टा कार में पुलिस वाले थे। पुलिस द्वारा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है, और जो वहाँ के जो चेक कर रहे हैं, जो वन स्टार है, वो भी बोल रहे हैं कि आपने माल भरवाया, जबकि मैं सिर्फ वहाँ, मेरे को सूचना मिली थी तो मैं गया था। मैंने पूर्व में भी काफ़ी शिकायतें लगा चुका हूँ चोरी के नाम से, और मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, तो मैं कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस आया हुआ हूँ आवेदन लेके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।